स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही सब किच्छु ब्रह्मांड सम्पर्के ज्योतिर्विज्ञान सम्पर्के न्यूनतम ज्ञान नहीं ओईजन्य डॉक्टरेट आगे लिखित एखन लेखेन मूर्खेर अशेष दशा करुणा छाड़ा आर कि करबे भगवान करुणा करुन এই ধরনের অশিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছি আমরা বিদ্যাসাগরের দেশে, রবীন্দ্রনাথের দেশে, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশে, শরৎচন্দ্রের দেশে, এরও একটা অশিক্ষিত মূর্খ মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি। রাকেশ শর্মাকে বলছে রাকেশ রসুন, মহাকাশকে চন্দ্র বলছে। আর্লিয়ার অলসো আপনারা জানেন, ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, তিনি চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিলেন। আমরা তখন ছোট ছিলাম, আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ রোশনকে যে উধার সে ক্যাসে লাগ রা হ্যায়, আসমান সে ক্যাসে লাগ রা হ্যায় মহাকাশ সে ইন্ডিয়া কো, তোরা উত্তর দিয়েছিল সারে জাহাজ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। এখন মানুষ যায়নি কিন্তু আমাদের যন্ত্র গেছে। আমাদের স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা, সারে রাষ্ট্র কা ধ্যান आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग जरूरी थी, क्योंकि जब ही हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा।